अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले शहीद कर्नल संतोष बाबू का कृतज्ञ ये राष्ट्र रहेगा। आपने देश के सैनिक की शौर्य गाथा को सुना। मुश्किल से मुश्किल हालात में कर्नल संतोष ने चीनी सैनिकों का दम निकाल दिया। एक अकेला सैनिक 100 चीनी सैनिकों पर भारी पड़ा, ये सेना का शौर्य है। सोचिए अगर 26/11 हमले के बाद भारतीय सेना को खुली छूट मिली होती तो प्रतिशोध कितना करारा होता। पाकिस्तान और उसी पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों की कमर तोड़ने का पूरा मौका था, लेकिन इस मौके को तब की यूपीए सरकार ने कैसे गवा दिया, या यूपीए सरकार की तरफ से पाकिस्तान को करारा जवाब देने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई, ये सवाल आज कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी की किताब 10 Flashpoints 20 Years से उठे हैं। अठारह सुरक्षा कर्मियों समेत 166 बेगुनाहों का कत्लेआम, ये वही जख्म है जो पाकिस्तान ने भारत को दिया था। 26/11 की 13वीं बरसी से ठीक पहले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की लॉन्च होने वाली नई किताब ने जख्मों को एक बार फिर कुरेद दिया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अपनी नई किताब में 26/11 आतंकवादी हमले के बाद मनमोहन सरकार की नीति और नियत पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। किताब का जो पन्ना उन्होंने ट्वीट किया है उसका मजमून कुछ यूं है। एक ऐसा देश जिसे सैकड़ों निर्दोष लोगों का क्रूरता से नरसंहार करने का कोई पछतावा नहीं, उसके सामने संयम का परिचय ताकत का संकेत नहीं है, इसे कमजोरी की निशानी समझा जाता है। ऐसा वक्त आता है जब कार्रवाई शब्दों से ज्यादा बोलती है। 26/11 ऐसा ही वक्त था जब ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए थी। इस कारण ये मेरी मानी हुई राय है कि भारत के 9/11 के बाद के दिनों में भारत को तीव्र जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। मनीष तिवारी के मुताबिक 26/11 के बाद जैसा बड़ा और कड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, यानी कांग्रेस के कार्यकाल में देश पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई पर कंफ्यूजन था। करारा जवाब देने की बजाय सरकार ने कदम पीछे खींच लिए थे। बड़ी बात यह है कि मनीष तिवारी 26/11 जैसी आतंकवादी घटना को लेकर अपनी राय को निष्पक्ष और प्रमाणिक बता रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी चौथी किताब जल्द बाजार में होगी, 10 Flashpoints 20 Years। ये किताब बीते 2 दशकों में भारत के सामने आई राष्ट्रीय सुरक्षा की हर बड़ी चुनौती का निष्पक्ष विश्लेषण करती है। मानो मनीष तिवारी ने बैठे बिठाए बीजेपी को थाली में नया मुद्दा सजा कर दे दिया, क्योंकि पाकिस्तान और राष्ट्रवाद वही मुद्दे हैं जिसे लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरती आई है। इधर 26/11 का जिक्र हुआ, उधर बीजेपी ने इसे कांग्रेस की नाकामी का कबूलनामा करार देते हुए बड़ा हमला बोला। आज स्पष्ट हो गया ये तथ्य, ये बात कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो निठल्ली निकम्मी थी, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भारत की अखंडता की भी उनको चिंता नहीं थी। आज कांग्रेस शासन में पूर्व केंद्र मंत्री मनीष तिवारी जी ने स्वीकारा है, कबूल लिया है कि उनकी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। एक टिप्पणी, हमारी ही सेना के तत्कालीन एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर जी की मैं जरूर आपके समक्ष रखूंगा। उनका वक्तव्य है कि सर्जिकल स्ट्राइक वॉज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट एंड वी डिंट मेक यूज ऑफ इट। ऐसा क्यों हुआ सोनिया गांधी जी? हमारी वीर सेना को, जिसका लोहा पूरे विश्व में हर कोई मानता है, ये अनुमति नहीं दी गई। अब बीजेपी, मनमोहन सरकार और मोदी सरकार का फर्क कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के विचारों को हथियार बनाकर समझा रही है, याद दिला रही है कि मोदी सरकार राष्ट्र के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करती, दुश्मनों के घर में घुस कर वार करती है। हमारे सपूत पाकिस्तान के भीतर
आतंकियों के अड्डे में घुसकर मारते हैं। पहले सर्जिकल स्ट्राइक में हम जमीन से गए और जब दूसरा स्ट्राइक किया तो एयर स्ट्राइक करके हमने दुश्मनों को घर में घुसकर मारा है। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस ने सेना को खुली छूट नहीं दी जैसे मोदी सरकार ने दी? क्या यूपीए की सरकार ने सेना के हाथ बांध रखे थे? मनीष तिवारी का किताब बम जैसे ही फूटा, कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। कांग्रेस अब यही कह रही है कि किताब को पढ़े बिना कोई टिप्पणी नहीं करेगी। कोई नेता अपनी निजी टिप्पणी करे उस पे पार्टी अपना वक्तव्य दे, सफाई दे, मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहता। किताब आने दीजिए, बाहर देख तो लें। किताब पढ़े बगैर आप चाहते हैं कि हम पूरी उस पे पोस्टमार्टम कर दें उस किताब का, वो संभव नहीं होता। मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, मामला पाकिस्तान से जुड़ा है, वही पाकिस्तान जो आतंक का सबसे बड़ा अड्डा है। तो क्या मनमोहन सरकार में इच्छा शक्ति की कमी थी? क्या सेना को बड़े एक्शन का ऑर्डर नहीं मिला? या फिर मनीष तिवारी का 26/11 को लेकर किया जा रहा नया दावा सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है? दिल्ली में मौसमी सिंह और सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।